हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल अन्नपूर्णा किचन। आज हम वेज मेयो ग्रिल सैंडविच बनाएंगे। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम मेयो बना लेते हैं। यहाँ मैंने 4 गार्लिक ली हैं, 6-7 ब्लैक पेपर, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने शक्कर ली है, स्वाद अनुसार नमक। आज हम मेयो बनाएंगे लेकिन उसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने ये कैश्यू नट से काजू, इसको मैंने आधा घंटा गर्म पानी में भिगो के रखा था। अब इसमें बिल्कुल हम 1 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए मैंने ये पीस लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी ये रहेगी और ये बहुत ही हेल्दी है वर्जन मेयो का। टेस्ट में भी बहुत फैंटास्टिक लगता है। अगर यहाँ पे अगर आपको मस्टर्ड फ्लेवर करना है तो सरसों के जो पीले बीज आते हैं वो आप 2-3 इसमें डाल के पीसते समय डाल दो तो ये मस्टर्ड फ्लेवर हो जाएगा। अब हम फिलिंग बना लेते हैं। यहाँ मैंने कैप्सिकम लिया है, ऑनियन लिया है, टोमेटो, इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने ये कैबेज लिया है। ये स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ, आधा चम्मच यहाँ पे ऑरेगानो, नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स। और हमने ये जो मेयो बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ली है। आइए अब हम इसके ऊपर बटर लगा लेते हैं। अब एक साइड हम टोमेटो कैचअप लगा लेंगे। मैं ग्रीन चटनी लगा लूँगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। अब इसके ऊपर हमने जो ये फिलिंग रेडी किया था ये डाल देंगे, ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैं सैंडविच मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो इसकी जगह पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे चीज़ लगा देंगे। इस तरह से हम चीज़ लगा लेंगे और अब ये जो ब्रेड है इसको इस तरह से ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। आइए अब हम ग्रिल कर लेते हैं। मैंने ये पैन के ऊपर बटर लगा लिया है तो हम इस तरह से ग्रिल करने रख देंगे। ये बटर वाला पोर्शन मैंने ऊपर रखा है, बाद में हम पलट देंगे। हम इसे पलट देते हैं। अब ये रेडी है, हम इसे सर्व करेंगे।